हेलो हेलो सर, मैं मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आप सेवा तो मेरी बहुत कर सकती हो, अगर आप हाँ करो तो। जी सर बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? छोटा सा काम है, आप बस मेरी शादी करा दीजिए। किससे सर? आप पहले ये बताइए, आप सुबह सुबह घर से लड़के आई हो क्या? नहीं, पर क्यों सर? आपको ये पता नहीं कि शादी किससे होती है? शादी लड़की से होती है। आप मेरी बस जल्दी से शादी करा दीजिए। सर पर मैं आपकी शादी किस लड़की से करवाऊं? क्या आप उसे जानते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता किसी लड़की वड़की को। आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स। तो फिर सर मैं आपकी शादी किस लड़की से करवाऊंगी? अरे मुझे क्या पता, तुम कराओ ना मेरी शादी। इसलिए तो मैंने आपको फोन किया है कि मेरी आप शादी करा दो बस। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी शादी के लिए लड़की हमें ही ढूंढनी होगी। हाँ, अब सही पकड़े हो आप मेरी बात को। लड़की कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए? अरे मैडम जी, सब तरह की चलेगी। मैं भेदभाव नहीं करता, आई हैव नो डिफरेंस, अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी। अच्छा सर, फिर ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? यस यस, क्यों नहीं, मेरी उम्र 40 वर्ष है। और आप कोई 40 वर्ष की लड़की देख लो, अगर 40 वर्ष की ना मिले ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20-20 मैच की तरह 20-20 साल की दो देख लो आप। सर आप क्यों मजाक कर रहे हैं? हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैं जो आपसे पूछ रही हूँ सिर्फ उसी का जवाब दीजिए ना। तो पूछिए मैडम जी, मना किसने किया है? Who will you don't agree? अच्छा तो ये बताइए, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? मैडम जी, प्रॉपर्टी की मत पूछिए, प्रॉपर्टी मेरे पास बहुत है, आपको पता है। मेरे पास 20 बंगले, 50 शॉप्स यानी दुकानें, 40 फैक्ट्रियां, 25 होटल और अभी 300 मकान की एक कॉलोनी बना रहे हैं। सर तो फिर आप ये बताइए कि आप अभी कहाँ पे हैं? क्यों, क्या हुआ मैडम जी? सर मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। अरे मगर किस लिए आ रही हो मैडम जी? आपसे शादी करने। तो आ जाओ मैडम जी, मैंने मना कब किया है? अंधे को क्या चाहिए, ओनली 2 आईज, 2 आंखें। तो सर फिर आप मुझे अपना पता बताइए। हाँ तो मना किसने किया है? एड्रेस लिखिए आप, बिंदास, कुतुब नगर, गली नंबर 5, नया गांव। और मैं आपको सरपंच के खेत के पास, जो ट्यूबवेल है ना उसके पास खड़ा मिलूंगा। आई एम वेटिंग, कमिंग सून। ओके। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया प्यार का रास्ता। टिडिंग टिडिंग। आप ही है ना जी वो जिन्होंने मैरिज ब्यूरो कस्टमर केयर में फोन किया था और जिसकी 20 बंगले, 50 दुकान, 30 फैक्ट्रिया और 15 होटल है? या वो मैं ही हूँ, पर आप कॉलोनी को भूल गए। चलो कोई बात नहीं, हो गई हमारी शादी। तो फिर चले बंगले में। अरे रुको, मैं पहले कटोरा ले आता हूँ। भीख मांगने के लिए और किस लिए? पर आपके वो 20 दुकानें, 40 होटल और वो फैक्ट्रियां है ना, है वहाँ पे, बारी बारी चलेंगे भीख मांगने, टेंशन क्यों लेती हो? यानी तो वो आपकी नहीं थी? अरे वो मेरी
मेरी कैसे होंगी, मैं तो वहाँ पे भीख मांगता हूँ ना, वीआईपी भिखारी जो ठहरा। अरे ये तो बेहोश हो गई, कोई बात नहीं ये भी चलेगी।